कृष्णा की किचन में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की सब्जी, जो कुछ अलग अंदाज में हम बनाने जा रहे हैं, जो खाने में तो स्वादिष्ट होती ही है, साथ में पूरे घर में इसकी खुशबू फैलने वाली है। आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं हमारी इस रेसिपी को कि कैसे बनती है आलू की और धनिए की बड़ी ही लाजवाब सब्जी, जो आपने न तो आज तक बनाई होगी न खाई होगी। आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे छोटे वाले 10 आलू लिया है। आप अपने हिसाब से, घर के सदस्यों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हमने अच्छे से धो के छील लिया है। तो चलिए अब हम इनको काटते हैं। हमें इनको चिप्स की तरह काटना है, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं रखना है, चिप्स की तरह थोड़ा मोटा ही काटना है। इस तरीके से हम सारे काट लेंगे। ये देखिए हमने सारे आलू को इस तरीके से काट लिया है। अब इसको हम एक पतीले में डालते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप इसमें यहाँ पे सरसों का तेल ही डालना, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इन सारी चीज़ों को हाथ से हम मिला देते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 नींबू का रस। आप नींबू के रस की जगह चाट मसाले का भी यूज कर सकते हो। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक हमारे आलू रेस्ट कर रहे हैं, तब तक हम एक अच्छा सा मसाला तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे धनिया लिया है, 8-10 लहसुन की कलियाँ लिया हैं, और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च, जो इस सब्जी की सारी चीज़ों को हमने मिक्सी के जार में डाल लिया है। अब इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे हम, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, 2-3 चम्मच पानी डाल के दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए हमने धनिए का दरदरा पेस्ट बना लिया है। हमें ऐसे ही दरदरा पेस्ट बनाना है और ज़्यादा पानी का भी यूज नहीं करना है, नहीं तो बाद में पकाते वक्त हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं, मेन ये धनिए का मसाला ही है जो हमारी इस आलू की सब्जी को खूब टेस्टी बनाएगा। अब लेते हैं हम कढ़ाई। कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी को अगर आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने जो आलू रेस्ट के लिए रखे थे उनको हम इस तेल में डालेंगे। सारे आलू को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इनको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 1/2 कच्चा रखेंगे, इनको 1/2 ही हमें फ्राई करना है। ये देखिए आलू हमारे लगभग 1/2 पक चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। ये ऊपर से इस तरह से थोड़े से क्रिस्पी से हो जाएं, उस टाइम हमें इनको बाहर निकाल लेना है। अब सेम वही हम कढ़ाई ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हम तेल और डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच डाला हमने। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 टीस्पून हींग और 1 तेज़पत्ता। अब इसमें डालेंगे हम 2 बारीक कटे हुए प्याज और इनको हल्का सा ब्राउन होने तक पका लेते हैं। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी। इन सारी चीज़ों को मिला देते हैं। मसाले के नाम पर हम बस यही मसाले यूज करेंगे आज, ज़्यादा कुछ मसाले यूज नहीं करेंगे। धनिए की चटनी, उसको इसके अंदर हम डाल देते हैं। और इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है जो हमने पीसते वक्त 1-2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया था, बस वो जल जाएगा। गैस को हम रखेंगे धीरे। ये देखिए धनिए की चटनी का हमारा पानी बिल्कुल जल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले आलू में भी नमक डाला हुआ है।
और इसको अच्छे से मिला देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी दही, क्योंकि इस रेसिपी में हमने टमाटर का यूज नहीं किया है तो उसकी जगह हम दही डाल रहे हैं, और इसको खिलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से गर्म न हो जाए, नहीं तो आपकी दही फट भी सकती है। ये देखिए दही हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 4 हरी मिर्च। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, साथ में डालेंगे हमने जो आलू को फ्राई करके रखा था उनको हम डाल के अच्छे से मिला देते हैं। और इनको हमने आधा ही पकाया था, आधा कच्चा रखा था, तो अब आधा हम अब पकाएंगे। अच्छे से मिला देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हम आधा गिलास ही डालेंगे क्योंकि ये सब्जी ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनती है। आधा गिलास हम पानी डाल देंगे, अच्छे से मिला के इसको 2-3 मिनट के लिए हम ढक के पका लेते हैं। ये लीजिए सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसको गैस को कर देते हैं हम बंद और सब्जी को नीचे उतार देते हैं। और सब्जी हमारी अच्छे से गल भी चुकी है, आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए एकदम आराम से टूट रहे हैं। आप हमारी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।